एवरी वन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? शीर्ष भाई नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने पहले अभी मेरा एक्साइटमेंट देख लिया होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, और तो वो सब आपको आगे मैं बताऊँगी कि क्यों मैं इतनी खुश हूँ और क्या ऐसा गुड न्यूज़ आया हमारे घर में। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा आगे चल के। उससे पहले दिखा देती हूँ कि आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना होता है, जो घर में हमारे सुख समृद्धि घर में आती है, माता लक्ष्मी का वास रहता है। और ये आप सभी को हम हर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। और भी आप लोगों से कुछ बातें करूँगी, वीडियो में पूरा आगे बने रहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं अमावस्या के दिन हमें करना क्या होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर कहाँ जुड़े, जुड़े जो गांठ पड़ जाए। हो सकता है दोहे में थोड़ा इधर उधर हो जाए दोस्तों, लेकिन हकीकत तो यही है हमारे जीवन की कि एक बार जब हमारा किसी से दिल और किसी रिश्ते में थोड़ी सी भी खटास आ जाती है, तो फिर उसे कोई कितना भी जोड़ने की कोशिश करे तो वो कभी जुड़ नहीं सकता। लेकिन चलता है दोस्तों, जो अच्छे इंसान होते हैं अक्सर उनके साथ कुछ ना तो कुछ होता ही रहता है। तो चलिए अब देखिए कि अमावस्या है और अमावस्या के दिन घर की क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। आप घर में झाले वगैरह जितने होते हैं ना, उसे अच्छे से मार लेना चाहिए हमें। कोना कोना आपको साफ़ कर लेना चाहिए, थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अमावस्या के दिन करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको फर्श जब पोछते हैं तो फर्श के पानी में आपको हल्दी और गौमूत्र डालकर ही, और खड़ा नमक जो होता है ना, वो यूज़ करके आपको पूरा फर्श अच्छे से क्लीन कर लेना है। फर्श ही क्या, आपके घर की जितनी भी कोने कोने की चीज़ें हैं या फर्नीचर्स हैं, उन सभी को मैं यही आपको सलाह दूंगी कि इससे आपको सब कुछ पोछ लेना चाहिए। उसके पीछे का जो लॉजिक आप लोग पूछेंगे कि ये क्या बता रही हो आप, तो इसके पीछे की यही कहानी है दोस्तों कि इस पानी से जब आप पोछा लगाते हैं तो हमारे घर की निगेटिविटी है ना, वो भी सब इसी में, सब पोछे के साथ में निकल कर चली जाती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जो गौमूत्र होता है उसके पानी से जो हमारे घर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, वो कभी नहीं आते हैं। आप एक बार करके देखेंगे तो आप बोलेंगे दीदी क्या बता रही थी, सच में बहुत सही बात बता रही थी। और अब जब सारी चीज़ें होने के बाद में दरवाज़ा रोज़ आपका पोछा जाना चाहिए, अगर आप रोज़ नहीं तो अल्टरनेट डे तो ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, मैं हर गुरुवार को अपने पूरे घर की ऐसी क्लीनिंग करती हूँ और अमावस्या पूर्णिमा को भी सेम यही चीज़ें करती हूँ। और उसी के साथ साथ देखिए, अब इस तरह से दरवाज़ा सब अच्छे से मैंने ना एक सूखा गीला, मतलब हल्का, बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं, एकदम नॉर्मल कपड़ों से आपको पोछना चाहिए। फिर उसके बाद में क्लीन करने के बाद मैं यहाँ स्वास्तिक और ओम बनाती हूँ। हमेशा आप मेरे दरवाजे पर जब भी देखोगे ना तो ये रहता ही रहता है इसे। और ये भी हल्दी के लेपन से, मतलब हल्दी में इसमें गौमूत्र मिक्स करके, गंगा जल मिक्स करके, फिर मैंने उस लेपन से ओम और स्वास्तिक बनाया। और ऐसे हमारे दहलीज को भी लेपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। हर मंगलवार को, हर शुक्रवार को आपको ये लेपन करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में सदैव रहेगा, सदैव। आप ये चीज़ जब करना चालू कर दोगे ना, तो आप देखना कि आपके जो जीवन में दुख है, घर में जो हमेशा झगड़े लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, वो धीरे 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 ख़त्म होने लग जाएंगे। और उसके बाद मेरी पूजा होने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप देख लो कि मुझे जो जब ये चीज़ रिसीव हुई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और उसके बाद में दोस्तों मैं नाचने लगी, फिर मेरे पति जी आए, बोले ये क्या हो गया तुमको, तो मैंने बोला आप भी देखोगे तो आप भी नाचने लग जाओगे खुशी से। और उन्होंने देखा हो, उन्होंने मुझे गले भी लगाया और मुझे शाबाशी भी दी, और उनको भी बहुत प्राउड फील हुआ मेरे ऊपर। मैं हमेशा ये चाहूँगी कि मैं उनको इसी प्रकार से प्राउड फील कराती रहूँ दोस्तों। ये सब कुछ मुमकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हो पाया है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप सबके प्यार, आप सबके आशीर्वाद से मेरे घर जो खुशी आई है, दिखा दूँ आप सभी को तो दिखा रही हूँ। फाइनली मेरे पास आया है गूगल एडसेंस पिन, जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये मिलेगा भी। और मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। माता सिमसा की ही मैं कह सकती हूँ मुझ पर कृपा हुई है, और उनके आशीर्वाद से मुझे ये गूगल एडसेंस पिन भी मिल चुका है। मेरी बहुत जर्नी रही है यूट्यूब के ऊपर। मेरे इससे पहले भी एक चैनल था
वो चैनल मेरा पता नहीं हैक हो गया, डिलीट हो गया, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मेरा यूट्यूब पे काम करने की पूरी इच्छा मेरी ख़त्म हो चुकी थी। साथ ही साथ मेरा ना इंस्टाग्राम पे भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ था। उस पर मेरे व्यूज इतने अच्छे आते थे इंस्टाग्राम पे, फॉलोवर्स बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से वो भी मेरा चैनल हैक हो गया। और वो कैसे वापस लेते, क्या मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखे पर कुछ नहीं मिला। और जब मेरा यूट्यूब का चैनल जब चला गया था, उस पर मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले थे, मेरी एक वीडियो कुछ 4 लाख तक गई हुई थी उस चैनल पर। और बहुत मेहनत मैंने किया था उस चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब से भी मुझे ये था कि पहले मैं जॉब करती थी, जैसे कि मैंने मेरी स्टोरी में आपको बताया, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। और जस्ट ऐसे ही मैं यूट्यूब जब देख रही थी तो मुझे पता चला कि यूट्यूब से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो पहले मुझे कुछ इसमें व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे। उस चैनल पे मैं सब भगवान के बारे में बताती थी कि हमें क्या करना चाहिए, सोमवार को क्या करना चाहिए, मंगलवार को क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, या जो भी व्रत पूर्णिमा अमावस्या पे क्या करना, जैसे बहुत सारी डिटेल्स मैं उस चैनल पे दिया करती थी। पर सडनली जब ऐसा हुआ कि जब मेरे 4 लाख व्यू आ गए और मैं इतनी खुश हुई कि अब चलो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और साथ ही साथ में अब मुझे मेरी शायद यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट भी मुझे मिल जाएगी। पर वो पता नहीं, और उस समय क्या हुआ कि मैं गांव चली गई थी और फिर मैं कुछ वीडियो नहीं डाल रही थी, मैंने मेरा YouTube स्टूडियो वगैरह कुछ भी ओपन करके नहीं देखा था। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जब मैं वापस आई, और उसके बाद जब मैंने चेक किया मेरा चैनल, तो मेरा चैनल ही गायब हो चुका था। पता नहीं क्या हुआ, मैंने बहुत लोगों से, बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उन लोगों को सबको मैसेज किया था सॉरी सब लोगों से मैसेज किया, मैंने बात करने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो ये जो चैनल था, ये चैनल मैंने बस ऐसे बना के रखा था, मैं इस पर कभी वीडियो नहीं डालती थी, एक दो शॉर्ट वीडियो डाल देती थी। और इस चैनल को भी बना के मुझे 1 साल पूरे हो चुके हैं, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि, मतलब मेरा पूरा मन उतर चुका था अगर एक बात देखे कि हाँ मुझे अब सोशल मीडिया पर कुछ काम वगैरह करना है। सोशल मीडिया पे मेरा आने का जो सबसे बड़ा मोटिव यही था कि जो मैं डिप्रेशन में जा रही थी, जो डिप्रेशन में चली गई थी, उससे बाहर कैसे निकला जाए। और मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करती, अभी भी मेरे ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, घर से भी, घर के लोगों से भी आप अपनी सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में, बहुत सारा, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद में जब मैंने ये चैनल ओपन किया था, तो मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं था कि पता नहीं मैं इसमें ग्रो कर पाऊंगी या नहीं, या आगे जा पाऊंगी या नहीं। आप अभी भी देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते हैं, शॉर्ट वीडियो पर व्यू भी इतने खास नहीं आते या नहीं आते। पर माता सिमसा की कृपा से उसके पहले भी मेरे जो मार्केटिंग के वीडियो थे उसमें अच्छे अच्छे व्यूज़ आते थे मार्केटिंग के वीडियो पर। और आप देख लोगे ना तो मैं हर 1 महीने 2 महीने में कभी कभी वीडियो डालती थी, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं वीडियो डालूं करके। लेकिन जब से सिमसा माता का मैंने वीडियो डाला और आप लोगों का प्यार मुझे मिला, और ये सब सच में आप लोग के प्यार के बदौलत और माता की कृपा के बदौलत ये चीज़ मुझे हासिल हुई है। और जब आप लोग का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, आज जब आप लोग बोलते दीदी आप अच्छी लगती है, आपकी वीडियो अच्छी लगती है, तो भले वो चाहे 1-2 ही कमेंट क्यों ना हो, पर वो भी मेरे दिल को बहुत तसल्ली देते हैं। और मुझे लगता है चलो भले 2000 तो 2000, और उस 2000 में से अगर मेरे 100 या 200 भी जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे जो सच में मुझे दिल से प्यार करते होंगे, तो मैं तभी भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर गेन करना बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उठपटान वीडियो बना दो डाल दो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे मुझसे ये सब कभी जमा भी नहीं, और शायद मैं इस तरह का कुछ कर आगे नहीं भी कर पाऊँगी। पर जब मुझे प्रदोष के दिन ही जब गूगल पिन आया, पता नहीं क्यों उस दिन लग रहा था, क्योंकि आपको मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ कि जब मेरा ये चैनल मोनेटाइजेशन हुआ था, वो भी दिन मंडे ही था, और मेरे ख्याल से मंडे की सोम प्रदोष था। और उसके बाद में जब मेरा $10 के बाद ही आपको गूगल पिन आता है, तो जब $10 मेरे अकाउंट में हो चुके थे, तब वो भी सोमवार को ही कंप्लीट हुए थे, मतलब एक हफ्ते में $10। और उसके बाद में फिर गूगल पिन हम के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के बाद में फिर एक हफ्ते के अंदर ही मुझे गूगल पिन आ गया। नहीं तो मैंने सुना है बहुत, जब मैं देखती थी ना तो मैं इतना डरती थी कि पता नहीं मेरा आएगा कि नहीं गूगल पिन एडसेंस। बहुत लोग बोलते हैं 2-2 महीना लग जाता है, फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं। पर बस मुझे भोले बाबा पे विश्वास था
कि वो जरूर भेजेंगे और अपनी इस बच्ची को नाराज नहीं करेंगे। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि विश्वास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और विश्वास रखना, अब इस चीज़ के लिए मैं सच में बता रही हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मतलब मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, क्योंकि जब मेरा वो चैनल बंद हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं, मेरा मन ही नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे भी, आप हो मेरा, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए अगर जो नए होंगे जिनको पता नहीं होगा, पर मैं इंस्टाग्राम पर भी ऐसे रोज शॉर्ट नहीं डालती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरा मन ही ना एकदम से ये हो चुका था और अभी भी नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे इस चैनल पे आप लोगों का प्यार मिलने लगा, तब मैंने सोच लिया कि अब मुझे डेली का डेली अपडेट रहना पड़ेगा इस चैनल पे आप लोगों के लिए, आप लोगों के जो सवाल होते हैं उनके जवाब देने के लिए, और आप लोगों से जो मैं करती हूँ, जैसे मैं प्रेगनेंसी के लिए इतनी तड़प रही हूँ कि मैं कब प्रेग्नेंट हो जाऊँ, और उस चीज़ को अपने माइंड में से हटाने के लिए या कौन सी एक्सरसाइज, क्या सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी आप लोग से शेयर करूँ, आप लोग से शेयर करूँगी, अगर उस शेयर से अगर कोई भी महिला माँ बन सकती है तो मुझे सच में बहुत दिल से खुशी होगी आप लोगों का प्यार पाके। तो बहुत खुशी का दिन है और आज मैंने मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्राउड फील कराया है, तो वो भी बहुत खुश थे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तभी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग मुझे भी पहचानेंगे। तो जितने भी मेरे वीडियो देखते हो, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों से, जितनी भी जो महिलाएं हैं उन सभी से शेयर कीजिएगा, तब हमें पता चलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय एवरीवन।